स्वतंत्र तरीके में जीने वाले आदिवासी किसान भाइयों पर हत्या करने में जुटे हैं जुटी हुई सरकार, इसको बंद किया जाए करके। अबूझमाड़ के मुहाने में एक बार फिर से आदिवासियों ने अपनी मांगों को लेकर उग्र आंदोलन शुरू कर दिया है और कई ऐसे मांग है जिनको लेकर आज एक बार फिर से ओरछा में सड़क पर उतर गए हैं और वे अपनी मांगों को लेकर रैली निकाल रहे हैं। इस तरफ की तस्वीर आप देखेंगे तो सबसे पहले नर्तक दल हैं जो मूलवासी बचाओ मंच से हैं और उसके पीछे कई ऐसे ग्रामीण हैं जो हाथों में डंडा तीर धनुष लेकर इस रैली में शामिल हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारा लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने अपने नारों में पुलिस कैंप हटाने की बात कही है और जल जंगल बचाने की भी बात कही है। तो आप ये रैली जो है आंदोलन स्थल से निकली हुई है जो ओरछा मुख्यालय तक जाएगी और वे अपने मांगों को जिम्मेदार अधिकारियों तक रखने की बात भी यहाँ के आदिवासी कर रहे हैं। कुछ ऐसे यहाँ के जानकार आदिवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्यों एक बार उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है, अपनी मांगों को लेकर कब से वे डटे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ के आदिवासियों से बातचीत करते हैं कि भाई क्या क्या परेशानी हो गया फिर से सड़क पर उतर गए। जी सर, मेरा कहने का है कि आज का जो यह प्रोग्राम कल 7/6/2024 से लेकर आज 8/6/2024 तक हमारा मुद्दा है कि बस्तर में पूरी आदिवासियों पर हत्या होते जा रहा है और फर्जी नक्सली बताकर इनकाउंटर कर रहे हैं और गोली शूट किया जा रहा है। यही मुद्दा को लेकर आज हम लोग रैली के माध्यम से यहाँ रोड पर उतरे हैं और यहाँ अधिकारी के साथ बातचीत करने था, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं आ रहा है और हम ही लोग यहाँ आके आज रैली करके अपना स्थान में फिर से चले जाएंगे। अच्छा, किसी को सूचना दिए थे कि आज रैली हो रहा है यहाँ पर, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे? जी सर, आज यहाँ रैली करेंगे करके कलेक्टर साहब से भी सूचना हुई थी और SDM साहब से भी, तमाम सभी हमने जिला के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बात मतलब सब कांटेक्ट हुआ था पर आ नहीं पा रहे हैं। उनका मतलब जब उनका कुछ चुनाव वगैरह पहुंचता है तो आएंगे, आने में रहते हैं, लेकिन ऐसा हमारे समस्या को लेकर सामने आ रहे हैं, जनता उतर रहे हैं तो उनका समस्या को पूछने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, नहीं आ रहे? जी। अच्छा, आप लोग आवेदन बनाए थे? जी सर। क्या लिखे थे आवेदन? आवेदन में लिखे थे बस्तर में नरसंहार बंद करो, यानी कि बंद किया जाए, रोक लगा जाए, मतलब आज जो सा लोकतंत्र तरीके में जीने वाले आदिवासी किसान भाइयों पर हत्या करने में जुटे हैं जुटी हुई सरकार, इसको बंद किया जाए करके। यह मतलब रैली और जो ज्ञापन में वही लिखा हुआ था। ये दो दिन आप लोग का आंदोलन तो सालों से चल रहा है जी, ये 7 और आज 8 तारीख है जी। इस दो दिन में विशेष ऐसा क्या था जिसको लेकर फिर से उग्र रूप लिया है, आप लोग सड़क पर उतरे हैं? जी सर, हमारा उग्र रूप उतरने का यही मकसद है कि पिछले 1 जनवरी से लेकर आज ये मतलब चल रही है महीना, अभी जून महीना, आज तक लगभग 40 ग्रामीण को फर्जी नक्सली बताकर हत्या किया गया। इसी को मतलब विरोध करने में और इनका मुआवजा दे सरकार, उनको पीड़ित परिवार को मतलब सरकार से मतलब न्यायिक रूप से मिले करके और जो दोषी पुलिस को सजा देने का मांग को लेकर यहाँ जनता और यहाँ सामने उतरे हैं सर। अच्छा, ये बताइए ये जो ग्रामीण है जो नाचते हुए आ रहे हैं क्या कह रहे हैं गीत के माध्यम से? जी, यानी कि जल जंगल जमीन हमारी है करके मांग कर रहे हैं और जल जंगल जमीन पर अधिकार हमारा है, इसको कोई जो केंद्र सरकार हो व राज्य सरकार कोई भी मतलब ले जा नहीं सकते या छीन नहीं सकते, अगर कुछ मतलब जनता का छीन कर ले जाना है तो जनता के ग्राम सभा में जाकर उनको उनके अनुमति में उनका जमीनों पर कब्जा करना या खेतों पर कुछ
हड्डा बनाना, ऐसा कुछ जनता का मांग है। अच्छा, गीत में मैं सुन रहा हूँ कि दूसरी भूमिका आंदोलन, इसका जिक्र हो रहा है, क्या मतलब है? वही सर, मतलब दूसरा भूमकाल होगा ऐसा जी, अगर हमारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, अगर इसको अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग को जो सन 1910 में वीर नायक गुंडादुर विद्रोह किया, वैसा हमको भी तीर धनुष लेकर उग्र रूप से हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी हमारा अधिकार मिलेगा करके मांगे। कितने लोग हैं आज के इस रैली में? यहाँ लगभग आज का जनसंख्या 5,500 तक है सर। 5,500? कितने गांव से आए हैं? यहाँ 3 दर्ना के 4 दर्ना के लोग हैं और अपना ओरछा ब्लॉक के सभी लोग हैं। अच्छा, इस आंदोलन को और भी उग्र रूप देने की कोई तैयारी है क्या, जैसे नारायणपुर में करें या फिर बस्तर जिला मुख्यालय के जगदलपुर में करें, ऐसा कुछ तैयारी है? जी, आज अगर यहाँ कोई अधिकारी आए रहता, हमारे मांग पत्र सौंपे रहते हैं, अगर नहीं सुनती या उसको जो अमल करने नहीं करती तो हमको अगर नहीं करेगी, आज का जो इतना कड़ी धूप है, धूप को लेकर यहाँ सामने आ रहे हैं, अगर हमारा मांग को पूरी नहीं करेगी तो हमको नारायणपुर कलेक्टर ऑफिस को घेराव करने का हमारा ये मकसद है। ये कब तक करने का प्लानिंग है? लगभग हम लोग 2 महीना गारंटी दे रहे हैं, 2 महीने तक हमारे जो भी जो दोषी पुलिस को सजा दें और दिला दिए, और इसके साथ साथ अगर मतलब जो न्यायिक रूप से जो पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, अगर नहीं मिल रही है तो हमको कलेक्टर ऑफिस को घेराव करने का हमारा सोच है 1 महीने के अंदर। तो देखा आपने कि बस्तर के आदिवासियों ने कहा है कि इनकी मांग यदि पूरी नहीं होती है तो 1 से 2 महीने के भीतर वे नारायणपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे, क्योंकि इनकी मांग बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसा यहाँ के आदिवासियों का कहना है। आप क्या लिखे हैं गाना में? ए विरोध गाना सर। क्या 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 गाना है बताइए? ये विरोध गाना, जैसे कि हम दे कदम जैसे कैंप उम डाले उसका विरोध करते हुए हम गाना बनाए हैं। हाँ, क्या हो रहा है खदानों में, कैसा? अभी कदम देख कर अभी देख रहो कदम हमारे सेट का पर्यावरण नुकसान हो रहा कदम ले जाने से। हाँ, और क्या हो रहा है? और ना ये जो बस्तर में पुलिस कैमरा लाए हैं उसको वापस करने के लिए हम मांग किए। अच्छा, क्या और आप क्या सोचते हैं, कैसा परेशानी हो रहा है बस्तर में? मतलब वही आमदाई कदम को बंद करने के लिए हम, क्योंकि बना रहे हैं गाना और गाना खुद से विरोध करते हुए आज, क्योंकि रोड क्योंकि यदि सामने आमदाई कदम बोल रहे हैं उस विरोध के लिए हम गाना बनाए हैं। अच्छा, ये बोल रहे थे कि दूसरा भूमकाल करेंगे, क्या मतलब है इसका? थोड़ा पीछे कर लो, दूसरा भूमकाल की बात कर रहे। अच्छा, दिल्ली में अभी रैली करेंगे बोल रहे, कब करो? बस्तर से निकल के दिल्ली जाओगे? बताइए, छत्तीसगढ़ में तो अभी आदिवासी मुख्यमंत्री है, फिर भी आदिवासियों की समस्या बनी हुई है? जी सर, यहाँ आदिवासी विष्णुदेव साय मतलब आदिवासी ही मुख्यमंत्री बना, आदिवासी का समस्या को हल करूंगा करके, लेकिन आज तक यहाँ हुआ 4 महीना 5 महीना हो रहा मंत्री बनकर, 4-5 महीना में बनते ही 40-45 लोग को हत्या किया, तो उसको कौन दी? हमारा मंत्री है कि हमारा आदिवासी का एक हिस्सा के बड़ा यानी आदिवासी कित में रहने वाला और उनके समस्याओं को हल करने वाला सरकार उनके मांगों को पूरी करेगी, ये तो हमको उम्मीद नहीं है सर, इसलिए हमारा आदिवासी विष्णुदेव साय से दुश्मन है हम लोग। तो ये देखिए, ये आदिवासियों का मांग है, इन्होंने बताया कि लंबे समय से वे आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, यही कारण कि आंदोलन लगातार जारी है और उग्र रूप ले रहा है। इन्होंने बताया कि आगामी दिनों में यदि इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे दिल्ली के संसद तक भी पहुंचेंगे। यदि आपको लगता है कि बस्तर से ऐसी चीज़ें बाहर आनी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आदिवासियों के इस आंदोलन पर बातचीत जरूर करें। धन्यवाद।